दमोह जिला प्रशासन ने मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाटियागढ़ क्षेत्र में छापामार कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया है। वहीं प्रशासन की औचक कार्रवाई से झोलाछाप डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। जिले भर में गांव गांव फैले झोलाछाप डॉक्टरों पर लंबे समय बाद दमोह जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना एक बार फिर से शुरू कर दिया है। भाटियागढ़ में एक झोलाछाप डॉक्टर पर छापमार कार्रवाई के बाद बकायन गांव में भी एक झोलाछाप पर कार्रवाई कर क्लिनिक सील कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि भाटियागढ़ में एक झोलाछाप डॉक्टर ने तो हद कर दी, अपने आप को बाल शिशु रोग विशेषज्ञ लिखे हुए हैं। कार्रवाई के बाद भी वोट में विशेषज्ञ की लाइन को हटाया नहीं गया है। वही जिला प्रशासन में आम जनमानस को सूचित करते हुए जिले के किसी भी गांव में झोलाछाप डॉक्टर द्वारा इलाज करते हुए पाए जाने पर तत्काल प्रशासन को सूचना देने की अपील की है, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा दूरभाष क्रमांक 07812350300 भी जारी कर दिया है। जैसा कि आपको विदित है कि जो अनाधिकृत रूप से डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं या जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में झोलाछाप डॉक्टर कहते हैं, उनके खिलाफ कुछ शिकायतें आ रही थी। और ये भी शिकायत आ रही थी कि उनके द्वारा जो है मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके लिए हमने विकास खंडवार टीमों का गठन किया और दमोह हेल्पलाइन पर भी लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आपके पास कोई जानकारी हो तो हमें दें। तो हमें जो जानकारी लोगों से गोपनीय तौर पर मिली, उस जानकारी के आधार पर कल हमने तेंदुखेड़ा में एक कार्रवाई की थी, जिसमें FIR दर्ज की गई है और उनके क्लिनिक को बंद किया गया। आज पथरिया में लगभग 6 स्थानों पर कार्रवाई हुई है, जिनमें से एक तो बड़े नर्सिंग होम की शक्ल का भी अस्पताल की तरह बना हुआ है, जिसमें कि उस समय लगभग 20 से 30 मरीज जो है वो वहाँ पर थे। तो हमारी पूरी टीम, मतलब SDM और हमारे BMO और अस्पताल के जो हमारे चिकित्सक हैं, उनकी टीम पूरी वहीं पर है मौके पर, और अभी कार्रवाई चल रही है। और भविष्य में भी जब भी कोई ऐसी शिकायत मिलेगी तो हम तत्परता से कार्रवाई